राम राम जी। मैं सबको आज एक सत्यनारायण की विष्णु भगवान की व्रत कथा सुना रही हूँ जो श्रावण मास में कही जाती है, तो ले आ जाओ सारे सुन लो जी। एक बार है ना, एक नगर था और तो उस नगर में एक बाबा रोज भिक्षा मांगना आया करता। तो एक घर में बच्चे नहीं थे, तो वह पति पत्नी रहा करते। तो राजा वो जो बाबा आया करता वो सबके घर हाथ भिक्षा मांग लेता, लेकिन उनके घर से कभी भी भिक्षा नहीं लेता था जिनका वो बच्चे ना थे। और तो कहने लगा, ये महाराज आप सबके घर तक, एक दिन वो न्यू इंतजार में रहा कि बाबा हमारे से भिक्षा ले ले, लेकिन वो सीधा निकल गया। उनको इन अनदेखा करके ना वो भिक्षा लिए तैयार खड़ा था, उसकी भिक्षा नहीं ली उसने। तो बोला, ये महाराज ना उदास हो गया, अगर जब ये महाराज जी आएंगे ना वापिस में इनके साथ जाऊंगा और इनके डेरे पे इनसे पूछूंगा। तो जैसे ही वह जो बाबा था वो भिक्षा लेकर वापिस जाने लगा, तो वो राजा भी उसके पीछे पीछे हो लिया। और तो बोला, महाराज आप सबके घर से भिक्षा लेते हो और हमारे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हो? हाँ कही, बेटा तुम्हारे घर में ना कोई बच्चा नहीं है, तो जो जिनके घर में बच्चा नहीं होता उनका अन्न खाने से मैं पाप लगता है, तो इसलिए मैं तुमसे भिक्षा नहीं लेता। तो बोला, ये महाराज कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे को भी बच्चे हो जाएं। आख इसका कोई उपाय हो तो बता दो। हाँ का हाँ है इसका उपाय, वो तो आप ही कृष्ण भगवान है वहाँ रहते हैं, उनका पता बताया और वहाँ जा। तो आ गया, तो उसने उनकी माँ से बात की। तो माँ से बात की तो उनकी माँ ने यशोदा माँ ने कृष्ण से पूछा, हे बेटा तू तो इतने बड़े वह करता है, तो न्यू बता जिनका बच्चे नहीं होते हो और जो स्त्रियाँ मतलब जवानी में विधवा हो जा हैं, तो उसका क्या कारण है बेटा जो भाई इतनी दुखी ना हो और उनका बच्चे हो जा और वह विधवा ना हो? कि माँ इसका उपाय है क्या है बेटा? आके 32 पूर्णिमा का जो कोई व्रत कर लेगा वो कभी भी मतलब बचपन में तो नैदान पड़े मतलब विधवा नहीं होवे, और उसका बच्चे पोते पोती मतलब परिवार होगी उसका, सब कुछ रहेगा जो 32 पूर्णिमा के व्रत कर लेगा और पति पत्नी कर ले ठीक है। तो वह उसने बता दिया, यशोदा ने बता दिया उसको। तो वो आ गया सुन के, तो फिर वो बाबा दो रह गया। बाबा में पूछे व्रत के लिए, बोला अच्छा आप ऐसे करो, माता के मंदिर में जाओ। तो वो माँ के मंदिर में गए, वहाँ जाके ना, अरे माँ के मंदिर में गए तो वहाँ पूछा कि माँ मैं बहुत दुखिया हूँ और मेरे को बच्चे नहीं है, तो मेरे को किसी ने भेजा आपके पास? हाँ आकाशवाणी हुई, बेटा ठीक है आपको बेट मतलब बच्चे हो जाएंगे और आप जैसे मैं कहती हूँ वैसे कर, तो एक तुम्हारे सामने एक पेड़ लगा दिखाई देगा, आम का पेड़ है और उस पर एक ही आम दिखेगा। तो उस आम को आप सपने में दिखा था माँ के, वो तो मंदिर में तो गया आया लेकिन वो आने के सो गया, तो सपने में दिखा बेटा जो तुम्हारे सामने आम का पेड़ है ना इसके ऊपर ही आम का एक ही फल लगा दिखाई देगा आपको, तो आप उसके ऊपर चढ़ के सावधानी से लेना उस फल को, वो गिरे ना नीचे। तो ले आया तो अरबले अपनी पत्नी को खिला दिए उसने, मतलब जब वो ठीक ना दोगे ठीक ठाक हो जाए ठीक है, तो जब भी हुई थी वो ठीक जो मासिक धर्म से, तो ठीक होने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, ले इसे ना दोगे ना और इस फल को तू खा ले, वो तोड़ जाए वो पेट भर था। सुबह उठा तो उसने एक ही फल दिखा तो उन्हें सोचा ही होगा सावधानी पूर्वक तोड़ जाया और अपनी स्त्री को उसने खिला दिया। तो 9वें महीने उसका बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तो माँ ने बता दिया था पुत्र तो होएगा लेकिन वो 16 साल तक जीवित रहेगा। अच्छा, और तो बेचारा फिर भी थोड़ा उदास था। माँ इसका भी कोई उपाय होगा? कहा इसका भी उपाय है, अके 32 पूर्णिमा के पति पत्नी व्रत कर दो। अब ठीक है, तो उन 32 पूर्णिमा के व्रत कर दिए दोनों माने पति पत्निया ने 32 पूर्णिमा के व्रत कर दिए। तो वो जब वो 16वां साल आ गया उनको डरहा बनया रहा, उसने अपना साला बुलाया और अपने साले के साथ में अपने बेटे को भेज दिया काशी में पढ़ने के लिए। तो बहुत सारा धन दे दिया किसने वहां पढ़ा और
जब लेके आइए वहीं पर पड़ा गए अच्छा उस तो न्यूना बताए कि 16 साल में नहीं होगा अच्छा। तब चले गए, चले गए तो एक उसमें रुक गए। पहले ये होया करती चपाड़ सी जिन्हें चपाड़ बोलिया करें जहाँ पर वह बिठाया करें जनीत बने देख धर्मशाला से। तो वह धर्मशाला में ठहर गए। धर्मशाला में एक किसी का शादी थी तो जो शादी करना था वो एक आग तक आना था। दरबार राजा की छोरी थी तो वह सारे तरह थे वह बराती अक कहीं मतलब भाई तो एक आग से काना है कहीं राजा इस हमारे लड़के को देख के ना शादी से इनकार कर दे। तो जो उसका जो मतलब पूर्णिमा के व्रत करने तो हुआ था ना वो बेटा जो माँ ने वरदान दिया था फल में लगा वो तोड़ लियो लाया था। तो उसके मामा तो कहने लगे सेठ के लड़के थे वो के मामा तो कहने लगे तू अपने इस भाणजे को हमारे को दे दे मतलब फेरे हो जाए माला कन्यादान हो जाए जब तक। अब ठीक है जो कन्या के अलावा और जो कुछ मिलेगा तो मैं लूंगा। ठीक है ले लियो उन्हें शपथ कर लिया कर ली तो उनकी शादी होगी राजा के लड़के से सेठ के लड़के से जो पूर्णिमा के व्रत करने से हुआ था आम खाने से हुआ था उससे होगी। तो बोला अगले लड़की के साथ खाना खा ले एक स्थान पर बिठा दिया अकेले में। तो वह कहने लगा ना मैं तो नहीं खाना खाऊंगा तो क्यों जी आप क्यों नहीं खाते कि तेरा धर्म नष्ट हो जाएगा जब मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा तो। अब जी ऐसी क्या बात है जब आप मेरे पति हो मेरे साथ शादी हुई है तो आपको खाना तो खाना पड़ेगा इसमें धर्म की क्या बात है मेरा धर्म तो आप ही हो। तो कहने लगा नहीं मैं तेरा धर्म नहीं हो सकता क्योंकि मेरी मतलब एक ही साल है जिंदगी का तो मैं जा रहा हूँ काशी में और तो अपना उसी के साथ जाना है तुम्हें। अक नहीं जी मैं उसके साथ नहीं जा सकती मेरी शादी आपके साथ हुई है तो मैं आपके साथ ही रहूंगी और आप जाओ काशी में जब तक मैं इंतजार करूंगी। तो उसने अपनी अंगूठी दे दी और उन्हें कह दिया एक नव पालिका का अपने उसमें पेट लगाना और उसको सींचती रही है अगर वो हरा भरा रहे तो मैंने सोचिए मैं जीवित हूँ ये दुनिया में हूँ जब वो मुरझा के सूख जाए तो उन्हें सोचिए मैं ये दुनिया में नहीं रहा। अब ठीक है जी मैं ऐसे ही करूंगी। तो उसने वो कर दिया ये बातें उन्हें कर ली। तो वो तो सुबह चले गए। सुबह चले गए तो वह जो जिसके साथ वह काना था वो लड़का वह कहने लगे चलो विदा कर दो लड़की को। तो लड़की कहने लगी मैं तो नहीं जाऊंगी इसके साथ मेरी शादी नहीं हुई। तो उसे डांट के बोले और शादी किसके साथ हुई इसी के साथ तो हुई है तेरी शादी नहीं जी मेरी तो इसके साथ शादी नहीं हुई। अगर ऐसी बात है तो हमने कुछ बातें करी थी गुप्त बातें जो किसी को भी नहीं पता हम दोनों को ही पता है तो उनमें से ये बात सुना देगा तो मैं चली जाऊंगी इसके साथ में। और मैंने कुछ आभूषण भी दे रखे हैं उनको तो दिखा दे वह आभूषण क्या है। तो वह शर्मिंदा होके वापिस चले गए। वापिस चले गए तो वह क्या करती नवपालिका का पेड़ लगा लिया और उसने अपने हाथों से रोज नहा धोके सुबह सींचती रोज नहा धोके ना उन्हें सींचती। और तो वह नगरी में पहुंच गए काशी काशी में जाकर पहुंच गए तो उसके मामा ने धर्म कराया बामण बूमण जिमाए जिमाए। तो लड़का बोला मामा जी मेरी तो तबीयत खराब है बेटा तू नु करे अंदर जाके सो जा। अंदर जाके सो गया थोड़ी बार में देखा तो उसके प्राण निकल गए तो ना उसके प्राण ना निकले एक काला सर्प आया उसे डसने के लिए। तो उसने वो डसा तो मतलब सारे गवाह जमीन थी वाली ली पड़ गई लेकिन लड़का ऐसे ही रहा ठीक ठाक ही। खुद वह आए तो वहां पर शंकर भगवान मिल गए यही तो है सब कुछ सब इन्हीं का रूप है। तो वह कहने लगे ये कैसे हुआ आप कहाँ जा रहे हैं मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ नहीं आप वहाँ नहीं जा सकते आप क्यों नहीं जा सकता उसका तो टाइम हो चुका है आप नहीं जी वहाँ नहीं जा सकते और उसकी माता ने ना 32 पूर्णिमा के व्रत कर रखे हैं तो आप उसको नहीं वो कर सकते उसकी वायु और भी लंबी होगी। अच्छा कहा और तो उसकी होगी तो कहने लगा वो अपना आग उल्टा ही चला गया वापिस चला गया। तो शिवजी पार्वती जा रहे थे और रोता हुआ देखा तो उसने आण के ना चटनी आंगली का छीटा लगा दिया लड़का उठ के ना खड़ा हो गया को वो मत भूत सोया आखा। और तब अपने वापिस आ गए जो पेड़ में पानी डाला करती नवपालिका के पेड़ में वो जब वो बीमार हो गया तो उसकी तबीयत खराब हुई तो मुरझा के सूख गया था वह डर गए एक बार तो लेकिन वो दोबारा अगले दिन फिर हरा भरा हो गया। तो वह खुश होगी तो उसके पिताजी कहने लगे भाई लड़के का पता लगाना चाहिए कहाँ है ना है भाई लड़की को कदे ऐसे बिठाए रहे हम
तो वो पता लगाने के लिए जैसे ही वो घर से बाहर निकले तो एक लड़का समाचार मिल गया, कोई बच्चा आया कि तुम्हारा दामाद तुम्हारे दरवाजे पर आया हुआ है, तुम्हारा दामाद। हाँ तो उन्होंने आके ना देखा, देखा तो वह दामाद देखा, देखा तो वह कहने लगे कि न्यू कुकर कैसे दिखा मैंने इस क्या दिए थे तुम्हें। तो उसने वह जो उसने अंगूठी दी थी तीन नग वाली वह तो उसने दिखा दी, और जो लड़के ने दी थी वह उसने दिखा दी, और जो गुप्त बातें कही थी वह भी उस लड़के ने सारी बता दी कि ये बात कही थी हमने। अच्छा जी ये सत्य है। उन्हें एक हफ्ताह तक वे भी उसका बहुत स्वागत किया, खातिरदारी की, और फिर बहुत सारे धन दे के दास दासियां और गाड़ी घोड़े में उनको विदा कर दिया। विदा कर दिया तो जो मामा था वो कहने लगा मैं अपनी बहन को खबर दे देता हूँ कि हम आ गए हैं, नहीं तो उनको विश्वास नहीं होगा। वो लड़के बहुत रुक गए थोड़े है मुस्लिम के अंदर, और वो का भाई जाके कहने लगा आज बेबे और तू के माँ बाप छत पर चढ़े बैठे थे, जा हमारा बेटा राजी खुशी आ गया तो छत पर नीचे उतर आवांगे ना तम तो अपने प्राण खो जाएंगे। और तो बोले आज बेबे तेरा बेटा आ गया, तो वह अकेले देख के घबरा गए ना भाई झूठ बोलक झूठ नहीं बोलता, और शादी भी होगी और अपनी पत्नी के साथ आ रहा है और बहुत सारा धन भी रखा उन्होंने। तो देखा था अपना पूरी नगरी खड़ी होके देखा वो आए, जब आए गए तो माँ और बाप ने उनके बहुत स्वागत किया, आरती की अपने बहू को और अपने बेटे को घर के अंदर पूरी मतलब सुख सुविधा से अपना जो धर्म होता हो करवा के और उनको अंदर बिठाया, और शिवजी भोले का विष्णु भगवान का सत्यनारायण भगवान का उन्होंने फिर प्रसाद बनवाया और सारी नगरी में धूमधाम से बाटा और सुख शांति तरह रहने लगे। इसलिए इस व्रत के करने से कभी भी कोई भी स्त्री जवानी में मतलब विधवानी होती और सबको पुत्र पोते सब कुछ होते हैं मौज होती है, तो सारी बहन इससे पूर्णिमासी के 32 व्रत जरूर करना, जिसको भी जो कोई हो तो बस इसमें संध्या नमक खा ले वैसा नमक नहीं खाए, इस व्रत को जरूर करना सारी बहन। ये था सत्यनारायण विष्णु भगवान की सामण की व्रत कथा। बोलो हर हर महादेव, घर घर महादेव, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, माँ लक्ष्मी मैया की जय।